अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है आप तमाम मोमिनीन से, तमाम मौला के चाहने वालों से, तमाम हुसैनियों से जो जुलूसों अमारियों में शिरकत करते हैं, उनके लिए मैसेज है। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जो इंतज़ामिया होते हैं जुलूस अमारी के, जो पूरा बाकायदे एक लिस्ट बनाते हैं कि ये अंजुमन यहाँ इतने बजे, ये अंजुमन इतने बजे, इसके बाद यहाँ इतनी तकरीर, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि वो एक टाइम और भी मुकर्रर करें, वो अपने लिस्ट में वो एक टाइम और भी ऐड करें। बाकायदे इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि इतने बजे, इतने टाइम पे, अजान के टाइम पे, नमाज के टाइम पे ये जुलूस इस जगह पे पहुंचेंगे, वहां पे बाकायदे एक नमाज पढ़ने का इंतज़ाम किया जाए, जैसे माशाल्लाह से हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है जुलूस अमारियों में। खाना खाने के लिए ऐलान कर दिया जाता है पहले ही, आप हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम है, ये फला फला जगहों पे आप जाके खाना नोश फरमा सकते हैं। तो ऐसे ही नमाज के लिए भी कोई जगह सेलेक्ट कर दिया जाए और नमाज कज़ा ना होने पाए। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जंग के दौरान उन्होंने अपने सबका कज़ा किया, हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के गम में हम ये जुलूस हमारे यहाँ मजलिस पर किया जाता है।